दिखता है तो फिर आप बताइए क्लियर क्लियर पाँच कैम लो, सात कैम लो, आठ कैम लो, नौ कैम लो, कितने कैम लो। मैं जिंदगी भर तो इस बच्चे को ला नहीं सकता ना, अपनी प्रॉपर्टी बेच के बच्चों को लाया हूँ, मूर्ति के लिए बोलो, मंदिर के लिए बोलो, बैठने की चादर के लिए बोलो, या फिर आपको हवन में बैठना है उसका कोई चार्जेस है। कहाँ से हो आप? मैं वर्धा से हूँ, वर्धा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हो ना? हाँ महाराष्ट्र। कब आए बाबा के पास? कब आए? आया हूँ 2 तारीख को। 2 तारीख को आए हो? हाँ। तो इससे पहले भी कहीं कैंप में आए हो? इसी कैंप में आए हो? नहीं, 4 कैंप हो गए मेरे। 4 कैंप हो गए? लगभग 1 महीना पूरा कर लिया आपने? 4 महीने हो गए। 4 कैंप में? हाँ हाँ, अलग अलग जगह। अलग अलग जगह है ना? यानी बाबा के पास तो पूरा 30 दिन बिता चुके हो ना? कितने दिन रुकना पड़ता है? 5 दिन रुकना पड़ता है। एक कैंप में आप 5 दिन रुकना पड़ता है? तो किसको लेके आए इस बार? ये मेरा लड़का है, शौर्य ढोके, उसकी उम्र 14 साल की है जी। और वो जन्म से सेरेब्रल पाल्सी करके बीमारी है, डिस्ट्रोबी की जी जी, वो उसे है। लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 साल चला था। अच्छा। चलने के बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उसकी, वैसी वैसी वो बीमारी बढ़ती गई जी। वो कहीं दवाखाने कर लिए, उसके बाद में भी कुछ आराम गिरा नहीं जी। आखिर में हमको चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमको पता चला जी कि यहाँ पर बाबा जी कैंप लेते हैं करके। तो हम यहाँ आए जी। पहला कैंप 4 भुजा में किए। अच्छा, फर्स्ट कैंप आपने 4 भुजा में किए? उसके बाद एक एक कैंप हम करते गए। 4 कैंप हो गए? 4 कैंप हो गए, ये 4th कैंप। तो आपने 4 कैंप कर दिया, काफ़ी अच्छा सुधार आया होगा फिर तो? नहीं, अभी तक के तो कोई सुधार नहीं आया, ना पैर में आया, ना बात करने में आया। तो अंकल ऐसा क्या है कि फिर आप चार शिविर आ गए लगातार? तो एक विश्वास रख के आए हैं, आज नहीं कल होगा, परसों होगा, परसों होगा, लेकिन अभी तक के कुछ भी फर्क नहीं गिरा। बाबा जी से बात की हम। बाबा जी ने क्या बोला? बाबा जी ने, बाबा जी ने बोला, पहले 3रे काम के वक्त बोले उन्होंने कि आप 4था और 5वां करो, हो जाएगा बच्चे, चल के भेजूंगा। अच्छा। आप इसकी शादी की तैयारी करो। अच्छा, की तैयारी करो। अच्छा, अच्छी बात है। अभी इसके बाद में अभी भी बात की हमने, इसकी शादी की तैयारी करो, मैं 4थे 5वें काम में जी उसको चला के भेजूंगा, चला के भेजेंगे। फिर आप क्या बोल रहे हैं कि उसको लाते रहना पड़ेगा बोले आपको? अच्छा, मैं मेरा इसकी समय सीमा तो बताइए, कब तक के लाते रहेंगे जी? बिल्कुल, यानी इसकी कोई होगी लिमिट तो भाई? कि आप कितने शिविर में लेके आए? हाँ, कितने शिविर में लेके? बाबा जी वैसे बोलते हैं 5 शिविर में लेके आना। वो बोलते हैं कि मुझे दिखता है कि इसकी नस कहाँ ब्लॉक है। अच्छा, मुझे बताइए, अगर आपको दिखता है इसकी नस ब्लॉक है तो उस हिसाब से बताइए ना कि आप कितने कैम आना चाहिए जी जी, और कितने कैम में मैं इसकी ब्लॉक नस खोल सकता हूँ और चला के भिजवा सकता हूँ। दिखता है तो फिर आप बताइए क्लियर क्लियर, पाँच कैम लो, सात कैम लो, आठ कैम लो, नौ कैम लो, कितने कैम लो। मैं जिंदगी भर तो इस बच्चे को ला नहीं सकता ना। सही बात है। इसके बावजूद भी मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के बच्चों को लाया हूँ, ये उम्मीद से, महाकाली के नाम से जी जी। तो अभी तक कुछ फर्क नहीं गिरा। तो आपका कहना, आपकी जमीन बेच के आप बाबा जी के पास आ रहे हो रेगुलर, तो कितना खर्चा हो जाता है एक बार आने में बाबा जी? मुझे तो हर महीने में 30,000 रुपये खर्चा आ रहा है, क्योंकि मैं होटल में रहता हूँ, प्राइवेट गाड़ी करता हूँ जी जी। एक साथ में दोस्त को लाना पड़ता है उसको उठाने के लिए वगैरह, नंबर लगाने के लिए उसका खर्चा आता है मुझे। तो यहाँ नंबर भी लगाया जाता है क्या? हाँ, नंबर भी लगाया जाता है। टोकन द्वारा? नहीं नहीं, बस ऐसी आप कहीं पे भी लाइन में लगकर नंबर लगा लो। ये तो बाहर का खर्चा हो गया, बाबा जी तो कोई पैसे ले लेते हैं? बाबा जी पैसे वैसे नहीं लेते, जो देनगी के लिए अलाउंसमेंट करते हैं, मूर्ति के लिए बोलो, मंदिर के लिए बोलो, बैठने की चादर के लिए बोलो, या फिर आपको हवन में बैठना है उसका कोई चार्जेस है जी जी। तो इस माध्यम से देनगी के स्वरूप से वो अनाउंसमेंट करते हैं। तो आपको 0% फर्क पड़ा अभी? हाँ, तक दिखाने तो अभी कोई परसेंट नजर नहीं आ रहा। क्या कहना चाहते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके उनके कहने के हिसाब से? उन्होंने मुझे ये कहा कि इसका शरीर कड़क था, हार्ड था, तो थोड़ा नरम हो गया। तो मैंने कहा नरम शरीर होने से तो कोई फायदा है, ये चलना चाहिए, बात करना चाहिए, ये जो हाथ है उसको खुलना चाहिए, बिल्कुल तो फायदा है ना। ये उम्मीद के से ही आते हैं ना हम जी जी। जब डॉक्टरों के पास से हार चुके तभी तो आपके पास में आए ना जी। अब आपको यहाँ भी कुछ ना कुछ हार तो दिख रहे हो आप? मेरा यहाँ से भी अब कल मेरा शौक ही जा रहा हूँ, यह हाथ में कुछ नहीं लगा। पहला बच्चा भी मेरा था ऐसा, 17 साल का बच्चा था, वो गुजर चुका तब हमको पता नहीं था। उसके पेट में भी मैंने 50 लाख रुपये लगाया और इसके पेट में भी अभी तक मेरे 20 लाख रुपये गए हुए हैं और सब बेच के बाज के मैंने लगाया। आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, अब इसके बाद मैं कल जाऊँगा तो ऊपर वाले के भरोसे में छोड़ दूँगा। अच्छा, ये कैंप से पहले भी तो आप ऊपर वाले भरोसे छोड़ रखे होंगे कि कोई कुछ ना चमत्कार हो जाए। हाँ, फिर एक नई उम्मीद जगी कि एक काली कंबली वाला बाबा आया है।
फिर आप इनके पीछे घूम रहे हो अभी चार सीवर से, अभी आपके बच्चे के कुछ आराम नहीं आया। और बाबा जी से आप बात करते हो तो बाबा जी का कहते हैं कि मेरे को दिख रहा है कौन सी नस में क्या प्रॉब्लम है, आप आते रहो हम ठीक कर देंगे। तो आपका कहना है बाबा जी को कि भाई वो लिमिट बताओ कब तक ठीक कर, कब तक ठीक कर सकते हैं, जब तक मैं आऊँ। हाँ, एक साल बोलो, दो साल बोलो, कभी बोलो। हर इंसान, हर लोग यहाँ पे खड़े, हर दुखी हो के आए हुए, बिल्कुल हर हर माँ बाप यही सोच के आते हैं कि मेरा बच्चा चले, मेरा बच्चा बोले, कोई बिजनेस में आने, कोई गरीब परिस्थिति से है, कोई नौकरी वाला है, नौकरी 10 दिन की छुट्टी निकाल के आता है, कोई अपना प्रॉपर्टी बेच के आता है, बच्चे के लिए अभी क्या नहीं करता, सब कुछ कर देता है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि पहले कैंप में दूसरे कैंप में थोड़ा सा फर्क दिख जाता है, उसके बाद में रिटर्न फिर से जैसा का वैसा हो जाता है। अच्छा। तो मुझे भी ऐसी लगा पहले कैंप में और दूसरे कैंप में, तो मेरी उम्मीद जाग चुकी। उसके बाद में क्या हुआ, तीसरे कैंप से फिर बैक मारने लगा। अच्छा। फिर जैसा का वैसा ही होते गए। तो बाबा जी को बोले नहीं कि पेस्ट पर फर्क पड़ा, दूसरी बार में फिर ज्यादा फर्क पड़ा, तीसरी बार में फिर डाउन हो गया, ऐसा बताया नहीं आपने? अभी धीरे धीरे पूरा डाउन ही होते जा रहा। अच्छा, तो आपने बताया नहीं उनको? बताया, बताया, पूरी कैसा रिजल्ट मिल रहा है। मैं हर समय में बात करता हूँ उनसे, तो बोले हो जाएगा, आते रहो कर रहे। अच्छा अच्छा, मतलब कोई समय सीमा तो होंगी उसकी आने की? बिल्कुल सही बात है। इसमें कैसा क्या, आप जो नए नए लोग आते हैं तो वो कैसा क्या एकदम ये हो जाते हैं कि मेरे पहले काम में मुझे फर्क गिरा है, दूसरे काम में आता फिर बोलते दूसरे काम में फर्क गिरा, फिर तीसरे काम से चौथे काम से धीरे धीरे वो फर्क है ना कम होते जाता। अच्छा, तो वो आगे उनकी ये सब बातें उनको आगे तीसरे या चौथे काम से नजर आएंगी। अच्छा, नहीं हो रहा ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये तो बाबा जी ही बता सकते ना। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, वो अच्छा, क्या देख रहे हैं उसमें, क्या नहीं देख रहे ये। तो आप बाबा जी से कहने का मतलब इस वीडियो के जरिए सवाल ही कर रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, कि एक दो कैंप में ठीक हो रहे हैं, तीसरे कैंप में वापस मरीज में वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पहली बार आता है तो वो ये कहते हैं कि तो आप तीसरी चौथी कैंप में मैं इसको दौड़ा के भेजूंगा, और जब 5 कैंप हो जाते हैं तो बोलते हैं कि उसको आते रहना आते रहना। अच्छा, ये कोई बात हुई क्या? बिल्कुल सही बात है, ये कोई बात नहीं हुई कि आते रहना आते, कब तक क्या आएंगे ये तो बताइए। बिल्कुल, समय सीमा तो होना चाहिए ना, एक कोई लिमिट तो होना चाहिए। जी जी, आप एक 4 कैंप कंप्लीट कर चुके हो और अब आप ये भी यहाँ से भी निराशा ही सब आपको मिलती नजर आ रही है। आखिरी दिन कर लूंगा, चले जाऊंगा, फिर शायद नहीं आ पाऊंगा, फिर नहीं आओगे बाबा पास। चलो धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि बाबा जी के लोगों के 2 सीवर में फ़र्क पड़ रहा है, 3 सीवर में वापस डाउन हो रहा है। काफ़ी लोग हमने भी इंटरव्यू लिए, बोल रहे दो दो बार आ गए, काफ़ी लोग यहाँ भी तो काफी पब्लिक आती है। हाँ, मैंने भी सुना, क्योंकि हर हर एक बहुत कई लोगों के मुंह पे ऐसा है कि पहले कैम में मुझे फ़र्क गिरा, दूसरे कैम में फ़र्क गिरा, कोई बोलता तीसरे कैम में फ़र्क गिरा, तो धीरे धीरे जैसा क्या वैसा होते हैं। तो ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए, बाबा पास आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? ऐसा बाबा के पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताओ। मैं तो यही कहूँगा कि मैं मेरे कहने से वो रुकने वाली नहीं, क्योंकि हर इंसान दुखी है, क्योंकि वो यही चाहेंगे कि मैं एक बार जाके देखूँ, दो बार जाके देखूँ। बिल्कुल, तो उसको कैसा होता है, एक दो बार में थोड़ा सा लगता है कि कुछ ना कुछ उंगलियाँ हिल गया, पैर हिल गया, बस यहाँ तक कि वो खुश हो जाता है। फिर जब तीसरा चौथा काम की बारी आती है तो फिर वो धीरे, फिर कुछ ज़्यादा होना चाहिए ना, ठीक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। मूवमेंट बढ़ना चाहिए, वो बढ़ता नहीं, घटता लगता, उल्टा होता है, वो नहीं हो पा रहा। तो बाबा जी को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने सारे हजारों लोग उम्मीद लेके आते हैं आपके पास, तो आप उनको एकदम ऐसा देखिए कि वो बच्चा दौड़ के जाना चाहिए, चल के जाना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी बाबा जी ने करना चाहिए। या अगर आपको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो आप वो हिसाब से उनको फाइनल तारीख दे, फाइनल कैम्प बताए कि आप इतने कैम्प में 100% मैं ठीक करूँगा। बिल्कुल, उसके बाद में उतने फाइनल कैम्प देने के बाद में उसके बाद में एक भी कैंप आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात बोली भाई साहब ने, ये इस बात के लिए तालियां बजनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि भाई इतने दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। काफी लोग हैं जो 7-7, 8-8 बार आ चुके हैं। आप बताइए ना, आप 6 बताइए, 7 बताइए, 8 बताइए, 10 बताइए, हम आएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि 10 कैंप बताने के बाद में 11वें कैंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल राइट बात। चलो धन्यवाद जी, ये इस बात के लिए तालियां बजनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि भाई इतने दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। काफी लोग हैं जो 7-7, 8-8 बार आ चुके हैं। आप बताइए ना, आप 6 बताइए, 7 बताइए, 8 बताइए, 10 बताइए, हम आएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि 10 कैंप बताने के बाद में 11वें कैंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल राइट बात। चलो धन्यवाद जी, तालियां।
जो पूछता है उसके नाम की बात है ना, जो जिसका